हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल सीरीज हिंदी रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। वैसे इसे कोई भी देखकर सीख सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आप विंडोज में सर्च भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके अपने डेस्कटॉप पे और न्यू में जाएंगे और न्यू में आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ये रहा। अगर इंस्टॉल होगा तभी आएगा ये, ठीक है। ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर नहीं आता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये यहाँ पे आइकन आ गया है। आज आपका ट्यूटोरियल का डेट 2 है, इसका टाइटल डाल देते हैं हम। ये डबल क्लिक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम फाइल में जाएंगे और न्यू करेंगे। ठीक है, न्यू करने के बाद आपको बताया था कि ब्लैंक या टेम्पलेट, किसी चीज का टेम्पलेट लेना चाहते हो आप तो वो कर सकते हो। तो हम ब्लैंक लेके चलते हैं। यह आ गया आपका ब्लैंक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपने न्यू प्रोजेक्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप होता है प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, आपका प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल आपको देनी होगी। तो मैं फाइल में जाऊंगा और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद एक यहां पे आपका ये इंफॉर्मेशन का विंडो आ जाती है। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, तो एडवांस में जाते हैं और एडवांस में देखिए ये आ चुका। तो यहां पे टाइटल डालते हैं। तो टाइटल क्या है, ये डे टू ट्यूटोरियल, या जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फाइव स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, तो जो भी आपके प्रोजेक्ट का टाइटल वहां डाल देंगे। सब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन। ऑथर का नाम वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, ये तो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। वैसे आपको प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो ऑथर है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके बारे में लिख सकते हैं कि ऑथर भी वही है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी वही है। ठीक है, कंपनी वीडियोस वर्ल्ड, कैटेगरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी होती है सबसे पहले कि आपका प्रोजेक्ट है किस टाइप का। ओके कर दिया। अब जरा यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, हम तो इसके अंदर गए थे हम एडवांस में, अभी यहाँ देखिए क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि स्टार्ट डेट, आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कि हम इसमें रिवर्स भी चल सकते हैं कि फिनिश डेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट डेट तक आने का, और प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट डेट से स्टार्ट कर रहे हैं फिनिश का। तो दोनों तरह से इसमें हम बना सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट डेट करते हैं। तो मैं मान लीजिए हमारा 1 जनवरी से 2018 से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और फिनिश ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक कैसे ले लेगा फिनिश डेट, है ना, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट 1 साल का है, 5 साल का, इसको कैसे पता। तो इसने लॉक कर लिया है, हम इसे अंदर जाके फिर चेंज कर सकते हैं। तो शेड्यूल फ्रॉम, वही मैंने कहा रिवर्स करना चाहते हो कि स्टार्ट से, तो वही कर सकते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, करंट डेट क्या है, आज की टुडे। स्टेटस क्या है, आज की डेट का, आज की डेट है। प्रोजेक्ट किस टाइप का, कैलेंडर होगा प्रोजेक्ट का, 24 आवर्स, नाइट शिफ्ट में काम होगा या स्टैंडर्ड जो होता है नॉर्मली। ठीक है, अब यह आता है प्रायोरिटी 500, इसके बारे में डिटेल में अंदर बताऊंगा प्रोजेक्ट के अंदर जब प्रोजेक्ट करेंगे। वैसे थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, इसमें हम 1 से लेके 1000 तक वैल्यू डाल सकते हैं। ये बताता है कि हमारे प्रोजेक्ट को हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। 1000 का मतलब मैक्सिमम 100% दे रहे हैं, तो फर्क था 500 का मतलब 50% दे रहे हैं। और ये काम कैसे करता है, इसे डालने से क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोजेक्ट पे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम बैक जाते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा MS प्रोजेक्ट। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा, MS प्रोजेक्ट को हमने
इन्फॉर्मेशन डाल दी प्रोजेक्ट की। सेकंड स्टेप होता है हमारा कैलेंडर बनाना। टास्क एक्टिविटी सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आप एक कंस्ट्रक्शन का कैलेंडर बनाओगे कि कब आपको छुट्टियां देनी है अपने कैलेंडर में, लेबर का टाइमिंग आने का क्या होगा, लंच टाइम क्या होगा, और कौन कौन से वीक में या मंथ्स में हम इनको छुट्टियां देंगे। तो उसके लिए आपको जाना होगा प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट के बाद आपको क्लिक करना होगा वर्किंग टाइम, चेंज वर्किंग टाइम, इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं हम। ये विंडो आ गया। अब इस विंडो को जरा ध्यान समझिएगा। जैसे कि मुझे अपने एक स्कूल बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, उसका प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए कैलेंडर बना रहा हूँ। तो मैंने क्रिएट न्यू कैलेंडर किया, ये रहा आपका, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे डाला स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, और मैंने इसमें ये कह रहा है कि न्यू चाहिए आपको कैलेंडर, न्यू कैलेंडर चाहिए या फिर आपको कॉपी करना है स्टैंडर्ड। देखिए हम स्टैंडर्ड को कॉपी कर लेते हैं, इससे क्या फायदा है, न्यू बिल्कुल न्यू आएगा, उसमें कोई भी ऑफ नहीं होगा, सारे वर्किंग होंगे। और जो स्टैंडर्ड है उसमें जो हमारा जनरली सैटरडे ऑफ संडे ऑफ होता है वो होता है पहले से सेट। फेस्टिवल जो होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त वो फिक्स होता है। तो अच्छा है स्टैंडर्ड को लेके एडिटिंग करें। ओके, देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका स्कूल बिल्डिंग कैलेंडर। ठीक है, ये आपका है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये आपका कैलेंडर जनवरी एटीन। यहां से आप चेंज कर सकते हैं इसको ले। ठीक है, तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं अपने कैलेंडर में। मैं चाहता हूं कि एवरी मंथ यानी कि इस पूरे साल के हर महीने के 15 तारीख को छुट्टी हो। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं। तो इसको टाइटल डालते हैं 15th ऑफ। ठीक है, एवरी मंथ मैंने यहां पे डाल दिया 15th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, और ये जो 15th मंथ एवरी मंथ जो हमने ये दिया है ये कब से कब तक चलेगा? ये पूरे साल चलेगा, पूरे इस साल 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक, यानी कि एक साल तक हम हर 15 तारीख की छुट्टी देंगे। ठीक है, 1 तारीख से हो गया। अब इस पे क्लिक करके आपको जाना है डिटेल पे। डिटेल पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया। अब इस विंडो को देखिए, हम क्या कह रहे थे 15 तारीख को छुट्टी, तो यहां पे हमें क्लिक होना चाहिए हमारा नॉन वर्किंग वीक। ठीक है, उसके बाद ये 15 तारीख किस में आएगी, मंथ में आएगी ना, एवरी मंथ, तो यहां मंथ पे क्लिक करना है। ठीक है, मंथ पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि कोई वो जो एवरी मंथ जो छुट्टी दी आपने वो कोई डे है या तारीख है, तो हमने तारीख को दिया है ना डेट को, तो यहां हमने डाल दी 15 और एवरी 1 मंथ। ठीक है, और बस इतना डालना है आपको। ठीक है, यानी 15th एवरी मंथ मंथली नॉन वर्किंग। ठीक है, देखते हैं, ओके कर दिया मैंने। देखिए जनवरी 15th थोड़ा कलर चेंज हो गया, इस पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे आपका देखिए इसका कलर चेंज हो गया, और इस पर क्लिक करने के बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, 15th January 2023 नॉन वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं फरवरी में। देखिए फरवरी में भी 15th का डार्क कलर हो चुका है, और इसके बारे में क्या लिखा है, एक मिनट क्लिक नहीं किया मैंने, क्लिक करते हैं पहले। अब देखिए 15th फरवरी क्या है आपका, नॉन वर्किंग। मार्च में चलते हैं, तो देखिए मार्च में भी क्या है आपका, 15th ऑफ है। लेकिन जब हम जाते हैं 2019 में, देखिए सभी में 15th आपका ऑफ है, तो 2019 में हम जब जाते हैं तो भी ऑफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे जो फिनिश डेट है वो डिफरेंट है, देख रहे हैं हम। जो फिनिश डेट है वो हमारी 2018 होनी चाहिए थी यहां पे। कितना, कौन सी डेट, मंथ 12
और 31st, यहाँ मैंने देखिए मैनुअली चेंज कर दिया, उसमें टाइम लगता। अब देखिए जैसे ही मैं जाता हूँ 2019 में, तो भी ये वर्किंग है ना, जबकि मैंने एक साल यहाँ पे डाला है, तो अब ये क्या गड़बड़ है। तो मैं डिटेल पे गया और डिटेल पे मैंने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्टार्ट है हमारा वो 1 तारीख से है और एंड जो हमारा कब होगा, यहाँ पे हम डाल देते हैं 18 December 31st, ठीक है। अब देखिए 2019, अब देखते हैं, अब 2019 में 15 हमारा ऑफ नहीं है, देख सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन बहुत होती है, एक बार और समझे हमने क्या किया, यहां पे अब 12 आ रहा है। ये जो अक्रेंस है इसका मतलब है कि जो मंथ की बात की है तो ये कितने मंथ तक रिपीट होगा, तो 12, यहाँ पे 365 मंथ हो रहा था जब तक वो रिपीट हो रहा था, तो इस पर का भी ध्यान रखना है। अब क्या चाहते हैं आप, मैं चाहता हूँ सेकंड सैटरडे, एवरी मंथ का सेकंड सैटरडे ऑफ, ठीक है, सेकंड सेट ऑफ एवरी मंथ, वही आपकी 1 जनवरी और 1 जनवरी 2019 तो हम यहां रखते हैं कि नॉन वर्किंग वीक मंथली सेकंड सैटरडे और यहां पे 12, ठीक है, ओके। अब देखिए सेकंड सैटरडे कौन सा है, 13 नॉन, अच्छा इसमें हमारा स्टैंडर्ड कैलेंडर सभी ऑफ है, हम क्या करते हैं वर्किंग कर देते हैं, ऐसा करते हैं वर्किंग करते हैं सेकंड सैटरडे, ठीक है ना, वर्किंग, और उसका टाइम 8 से 12, फिर 12 से 1 लंच और 1 से 7, ठीक है। अब देखिए 13 को वर्किंग है, नेक्स्ट मंथ में 10 को वर्किंग है सेकंड सैटरडे को, तो इस तरह से हम किसी भी डेज को वर्किंग कर सकते हैं और नॉन वर्किंग कर सकते हैं। और टाइमिंग भी देखिए, अगर आप चाहते हो कि सेकंड सैटरडे को हाफ डे हो, तो यहाँ पे आप टाइमिंग, ये वाली टाइमिंग डिलीट कर दीजिए, है ना। और अगर आपको 15 अगस्त की छुट्टी नहीं है, हमारे कैलेंडर 15 की देनी है, तो आपको यहाँ इसी तरह से एक बनाने के बाद किस पे क्लिक करना होगा, ईयरली, क्योंकि 15 अगस्त ईयरली आता है, जो चीज ईयरली आती है, तो इस तरह से हम अपने कैलेंडर बना सकते हैं। तो आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।